हनी सिंह, जिसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को ब्राउन रंग, डॉप चॉप, गोलियां, जिस पार्टी गेटिंग हॉर्स, यार बतेरे, देसी कलाकार और हाय मेरा दिल, ऐसे सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। जबकि बादशाह ने अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ड्राइव स्लो, डीजे वाले बाबू एंड मिर्ची, ऐसे सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं। लेकिन और थोड़े दिन पहले बादशाह का एक नया गाना आया था, गॉन गर्ल। उसमें बादशाह ने हनी सिंह को डायरेक्ट डिस किया था, ये बोलकर कि कुछ लोगों का कम बैक क्यों नहीं हो रहा है। और उसमें बादशाह ने क्या क्या बोला था हनी सिंह के बारे में, उनको देखते हैं और आगे बात करते हैं कि हनी सिंह और बादशाह के फैंस के बीच में किस बात की लड़ाई है। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखे, लेट्स गो। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं वीडियो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि जहाँ से भी वीडियो स्टार्ट हो रही है वहीं से बादशाह के लिए मेरे मुंह से गालियाँ स्टार्ट हो रही है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो भी बिना गाले के। तो चलिए देखते हैं आगे। हनी सिंह के फैंसों ने कभी भी बादशाह और रफ्तार को पसंद नहीं किया है, क्योंकि इनका कहना है कि बादशाह और रफ्तार के कारण ही माफिया मुंडेर ग्रुप को तोड़ा गया था। कुछ दिन पहले हनी सिंह का राज सामानी के शो में इंटरव्यू हुआ था, जिसमें हनी सिंह ने हनी 3.0 एल्बम के बारे में कहा था कि उनका कमबैक इस एल्बम से हो जाएगा। हनी सिंह का कमबैक इज अ चैलेंज, बिग चैलेंज। हनी सिंह ने इस शो में अपने कमबैक को चैलेंज बताया था, लेकिन बादशाह ने इसको ज्यादा ही सीरियस ले लिया और हनी सिंह के कमबैक के बारे में अपने सॉन्ग में बता दिया। तो बादशाह को जब पूछा गया कि किसका कमबैक नहीं हो रहा, तो बादशाह ने ये बोला, भाई बता दो ना, क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। एक जोक था, राहत इंदौरी जी ने सुनाया था, बंदा बोलते कि सरकार चोर है, तो पुलिस पकड़ के ले जाती है उसको, कहता मुझे क्यों पकड़ा, कहता तू बोल रहा है सरकार चोर है, कहता मैंने तो बताया नहीं आपको कौन सी सरकार चोर है। जिसको ये फील हो रहा है भाई साहब ने कमबैक का नाम तो ले लिया, लेकिन किसका कमबैक नहीं हो रहा है इसका नाम लेना भूल गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उसकी गांड फट रही है नाम लेते हुए किसका कमबैक नहीं हो रहा। इसके ऊपर एमएवे बंटाई ने रिप्लाई भी, बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे, बादशाह अपने आप को बैड बॉय बोलता है, लेकिन एमएवे बंटाई ने बादशाह को डायरेक्ट बोला है कि बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे, यो नाम लेके इनकी गांड फटे, मतलब बादशाह की गांड फट रही है यो का नाम लेके। और रही बात कमबैक की, तो मैं जियान भाई साहब को यही बोलना चाहता हूँ कि हम हनी पाजी के उस टाइम से सॉन्ग सुन रहे थे जब नोकिया 1100 में मेमोरी कार्ड डलती थी, उस टाइम पे भी दुकानदार को बोलते थे कि भाई साहब हनी सिंह का पूरा एल्बम डाल दो जितने भी हनी सिंह के सॉन्ग्स हैं। और ये कल के लौंडे बादशाह और अवतार जैसे दो तीन सॉन्ग्स देखे अपने आप को हनी सिंह से ऊपर समझने लग गए हैं और अपने गानों में हनी सिंह को ही डिस कर रहे हैं। इनको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम्हारा रिप्लाई इमेवे बंटाई कर रहा है, जिस दिन हनी सिंह अपने गानों में तुम्हारा रिप्लाई करने लग गया ना, तो तुम्हारे करियर के तो लाले पड़ने लग जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे करियर के। तो जैन भाई ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि मैं और हनी ने दोनों ने मिलकर माफिया मुंडेर की शुरुआत की थी, और उसके रिप्लाई में हनी सिंह ने ये कहा था, सुनो आप। मैं हनी भाई हम दोनों ही थे प्राइमरली। इसके रिप्लाई में भी हनी सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था, तो वो भी देख लीजिए। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडेर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडेर में कभी थे ही नहीं। अगर वो मुझे हनी पाजी नहीं बोल सकते, मैं नहीं कह रहा मेरी इज्जत करो, अगर तुम कह रहे हो तुम माफिया मुंडेर थे तो तुम हायरार्की के प्रोटोकॉल को तो पकड़ो। इसे सुनने के बाद में बादशाह ने एक स्टोरी अपलोड की थी, जिसमें उसने लिखा था कि हमें आज तक नहीं पता कि माफिया मुंडेर का ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी था। जान भाई, पहली बात तो ये कि हनी पाजी ने साफ साफ मना किया है कि जो मुझे हनी बोलते थे उनके लिए माफिया मुंडेर कभी था ही नहीं, वो कभी माफिया मुंडेर में थे ही नहीं। तो खुद अपने आप को माफिया मुंडेर का मेंबर कहने की गलती ना करो। अगर मैं हनी सिंह के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करूं, तो हनी सिंह के इंस्टाग्राम पे 12.9 मिलियन फॉलोअर्स है, और वहीं जान भाई के तो 12.2 मिलियन फॉलोअर्स ही है। अब हम ध्यान देंगे जान भाई के इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स पर, तो चलिए अब देखते हैं जान भाई के कमेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं। बादशाह ने जब 16 अगस्त को एक नई पोस्ट अपलोड की थी, तो उसके ऊपर कमेंट्स है, क्लास्टर वाले लाइक करो, मैं तो बस गालियां देने के लिए आया हूँ, बादशाह की गांड में गाली देने वाला बटन यार, कोले कोले सुन ले, तेरे बाप का सॉन्ग आ गया है, बादशाह डिसलाइक बटन, तेरे बाप का गाना आ गया है जाके देख ले। लगता है क्लास्टर के बाद में कमेंट पढ़ने आए हैं, करियर खत्म हो गया सर आपका, तो जिसको इसके एक भी सॉन्ग याद नहीं है वो डिसलाइक करो, उसका कमबैक और तेरे पैकअप, बादशाह करियर खत्म बटन, बादशाह तेरी माँ की ड्रेस डैस डैस। अरे काम ऐसा करो कि चार लोग भी सर्च करें गाली देने के लिए, भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हो तुम लोग बादशाह को। देखो यार, बादशाह ने गलती तो की है हनी सिंह को डिस करके अपने सॉन्ग्स में, बट उसकी माँ को गाली देना ये सही नहीं है भाई, गाली वाली मत दो, बाकी उसको कितनी भी गालियाँ दो, मेरी तरफ से भी गालियाँ भर भर के दो, मैं तो खुद ही बोलता हूँ उसको गालियाँ दो भर भर के। बादशाह को अभी तक ये नहीं पता था कि हनी सिंह अभी भी वर्ल्ड के टॉप 100 आर्टिस्ट में से एक है 67 नंबर पे, लेकिन बादशाह को उन 100 में से कहीं भी नंबर नहीं है, हनी सिंह का 67 पे तो है ना नंबर। अब हम बात करते हैं बादशाह और हनी सिंह के
लेटेस्ट सॉन्ग्स की। तो पहले हम बादशाह का नंबर लेते हैं। बादशाह का नया सॉन्ग है लेट इट फ्लो, जिसमें 3.2 मिलियन व्यूज हैं और 36K लाइक्स हैं। उससे पहले गॉन गर्ल, जिसमें 69 मिलियन व्यूज है और 763 लाइक्स हैं। और उससे पहले सनक में 61 मिलियन व्यूज है और 1 मिलियन लाइक्स है। तो अब चलते हैं हम हनी सिंह की तरफ। हनी सिंह ने कुछ टाइम पहले कोले कोले सॉन्ग अपलोड किया था, जिसपे 59 मिलियन व्यूज है और 3.7 मिलियन लाइक्स है। उससे पहले तुझपे प्यार, उस पर 18 मिलियन व्यूज है और 647K लाइक्स है। और उससे पहले सोल, जिसपे 15 मिलियन व्यूज है और 896K लाइक्स है। अब हम बात करेंगे हनी सिंह के नए सॉन्ग की, जिसने इंडिया के कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है, जिसका नाम है क्लास्टर, जिसने 20 मिनट में ही 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए थे। क्लास्टर सॉन्ग ने अपने 60 मिनट में ही 4.2 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए थे। दूसरे घंटे में 7.8 मिलियन व्यूज, 1.7 मिलियन लाइक्स। तीसरे घंटे में 12 मिलियन व्यूज, 2.4 मिलियन लाइक्स। चौथे घंटे में 14.6 मिलियन व्यूज, 2.5 मिलियन लाइक्स। पांचवें घंटे में 16.7 मिलियन व्यूज, 3.2 मिलियन लाइक्स। छठे घंटे में 18.3 मिलियन व्यूज, 3.5 मिलियन लाइक्स। सातवें घंटे में 20 मिलियन व्यूज और 3.7 मिलियन लाइक्स कंप्लीट करे थे। और अब तक क्लास्टर सॉन्ग ने 40 मिलियन व्यूज कंप्लीट करके 6.2 मिलियन लाइक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब तो इस गाने से जान भाई को समझ में आ गया होगा कि हनी सिंह का कमबैक तो हो चुका है, तो वो अब अपनी करियर की फिक्र करे। हनी सिंह और इमय बंटाई उसकी कह के लेंगे क्या मजे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने ही मजे। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप खुद कमेंट में आके बता सकते हैं। बाकी हनी सिंह चाहे कैसे भी गाने बनाए, अच्छे बुरे बोरिंग कुछ भी गाने बनाए, हम दिल से सपोर्ट करेंगे। उसके गाने हम वैसे ही सुनेंगे जैसे पहले सुनते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय। दुनिया जैसे पागल करी थी ना मैंने 2011-12-13-14 में, वो पागल करनी है वापस से। जो जेन जी है, जो उस वक्त 8 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, अब वो 18-20 साल के हो गए। अब वो अलग आर्टिस्ट को सुनते हैं जिनसे वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। हनी सिंह से वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे।